दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का आईटीआई स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं इस समय गवर्नमेंट आईटीआई अलवर के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्लास ले रहा था, तो एक मेरा जो कारपेंटर ट्रेड का स्टूडेंट है उसने मेरे से ये सवाल पूछा है कि सर हम सेट स्क्वायर को किस तरह से यूज़ करें जिससे कि हमारे लाइनें अच्छी बन जाए। और क्योंकि हमारे आईटीआई के अंदर जो इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चे होते हैं उनको जो ड्राइंग्स बनानी पड़ती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो होता है पैरेलल लाइंस। इस समय जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसके अंदर मैंने अधिकतर बच्चों को रोलर ड्रा मंगाया था, रोलर ड्रा, इस इंस्ट्रूमेंट को रोलर ड्रा कहते हैं, जिसके अंदर ये दो ऑरेंज कलर के रोलर्स हैं और यहाँ पर स्केल है, चांदा भी है और ये आगे पीछे इसको सरकना आसान होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे इसको आप किस तरह से सेट करके पहली लाइन खींच सकते हैं। रोलर ड्रा के बारे में मैं ऑलरेडी दो तीन वीडियो पहले डाल चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, और भी दोबारा से बना रहा हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो चाहे आप सेट स्क्वायर से लाइन खींचो चाहे रोलर ड्रा से खींचो, रोलर ड्रा से काम करने का फ़ायदा क्या है मैं छोटा सा बता देता हूँ कि जो काम हम सेट स्क्वायर से एक घंटे में करते हैं रोलर ड्रा की सहायता से उस काम को हम 10 मिनट 15 मिनट या ज़्यादा 20 मिनट में कर लेंगे, यानी कि 1/3 टाइम में ही हमारा वो काम हो जाएगा जो हम सेट स्क्वायर से करते हैं। इसलिए मैं अब प्रेफर करता हूँ कि आप जो है रोलर ड्रा के लेके आएँ, इसको चलाना बड़ा आसान होता है। बस इसमें एक तो ध्यान दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, एक तो जब भी आप रोलर ड्रा चलाएंगे तो आपके दोनों रोलर शीट के ऊपर होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक रोलर आपका शीट के ऊपर होता है और दूसरा रोलर आपका टेबल के ऊपर होता है, उससे आपका रोलर ड्रॉ अगर स्लिप होगा तो उसकी लाइनें टेढ़े होने के चांसेस रहेंगे। और दूसरा ये है कि हमारा जो पहली लाइन आप खींचेंगे वो हमेशा एकदम सही होनी चाहिए। उसके लिए आप शीट का जो किनारी है ये उसके साथ में इसको रखें और इसको नीचे सरका के लाएँ और हल्की लाइन से शुरुआत करें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि बिल्कुल हल्की लाइन है। तो ये तो रोलर ड्रॉ से काम में लेने का तरीका है। उसके बाद अब आता है सेट स्क्वायर के बारे में। तो देखो सेट स्क्वायर किसे कहते हैं, ये दो का सेट होता है। इसके अंदर ये हमारा जो सेट स्क्वायर का एक पार्ट है उसके अंदर आप एंगल देखेंगे, ये दोनों 45 डिग्री के एंगल होंगे और ये 90 डिग्री वाले एंगल का सेट स्क्वायर है। इसके अंदर चांदा भी बना होता है जिससे अपन कोण बनाते हैं। और ये हमारा जो सेट स्क्वायर है इसके अंदर जो तीन कोण है उसके अंदर एक हमारा 30 डिग्री का, ये हमारा 60 डिग्री का है, ये हमारा 90 डिग्री का है और ये हमारा 30 डिग्री का है। अच्छा सेट स्क्वायर लाना अति आवश्यक है। आजकल जो बाज़ार में सेट स्क्वायर आ रहे हैं उसके अंदर एक छोटी सी कमी होती है कि उसकी ये जो किनारी होती है वो पतली होती है। ये आप जहाँ मेरा हाथ देख रहे हैं ये चला रहा हूँ मैं, इसकी किनारी पतली होने से क्या होता है, क्योंकि दोनों सेट स्क्वायर को एक दूसरे के साथ लगा करके फिर चलाना होता है, और अगर ये आपकी किनारी पतली होगी तो एक सेट स्क्वायर दूसरे सेट स्क्वायर के ऊपर चढ़ जाता है, तो हमको बार बार सेट करने में टाइम ख़राब होता है। इसलिए जितनी मोटी होगी ये उतना ही अच्छा वो सेट स्क्वायर कहलाता है। मेरे पास ये जो दूसरा सेट स्क्वायर है इसकी जो किनारी है वो पहले वाली किनारी से मोटी है। इसमें शायद आपको वीडियो में ये चीज़ शो नहीं हो लेकिन मैं हाथ से लगा के देख रहा हूँ, तो ये जो किनारी है इसकी मोटाई ज़्यादा है पहले वाले से, यानी कि इस सेट स्क्वायर को जब मैं काम में लूँगा तो वो बड़ा अच्छी तरह से लगेगा क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं होगा। अब जो मेरा सेट स्क्वायर से किस तरह से मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा उसके बारे में जो समझाने का तरीका है उसके अंदर मैं ये समझाता हूँ, बहुत आसान तरीका है। अगर आपको एक बार चीज़ समझ में आ गई फंडामेंटल तो आप कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। इसके अंदर तीन किनारियाँ होती हैं सेट स्क्वायर के अंदर, दोनों के अंदर तीन तीन किनारियाँ, एक दो और ये तीन, और ये जो है इसमें भी आप देखें एक किनारी ये है, एक किनारी ये है और एक किनारी हमारी ये नीचे की है, तीन तीन किनारियाँ होती हैं। तो आप मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन खींची हुई है, इसके पैरेलल में मेरे को लाइन खींचनी है, तो आप क्या करेंगे, कोई सा भी दोनों में से एक सेट स्क्वायर ले लें और उसको आप इस तरह से सेट कर दें। और इसका फंडा क्या है कि जब तीन किनारियों में से एक किनारी हमने इस लाइन के साथ लगा दी तो दो किनारियां बची जो हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके साथ लगी गई है। और आप ये याद रखें कि ये जो तिरछी लंबी वाली किनारी है इसको काम में नहीं लेना, ये हमारी लाइन के साथ लग गई, ये हमारी काम में लेनी नहीं है, तो बची हमारी ये वाली। बात क्लियर है, सही है, हाँ या ना? कि हमने जिस लाइन के पैरेलल में लाइन खींचनी है उसके साथ में इस किनारी को लगा दिया, एक तो ये काम में आ गई, दूसरी हम इसको काम में लेंगे नहीं, तो हमारी तीसरी ही बची जिसके साथ हमको दूसरा सेट स्क्वायर सेट करना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ मैं ये इसको इस तरह से सेट कर रहा हूँ। अब आप देखो अगर ये आपका
थोड़ा सा दबाव दे करके रखेंगे तो ये सरकाना आसान हो जाएगा। अब हमको जो लाइन जिस लाइन के पैरेलल में खींचनी है उसको हमने जब यहाँ लगा रखा है, दूसरे को हमने यहाँ सेट कर दिया, अब क्या करेंगे आप, दूसरे वाले को जाम कर देंगे और पहले वाले को फ्री कर देंगे चलने के लिए। क्लियर। अब हमको मान लीजिए इस बिंदु पर जाकर के ये वाली लाइन को हमको पैरेलल ले जानी है, तो हम क्या करेंगे इसको आगे सरकाएंगे और जब हमको लगेगा कि ये लाइन सही आ गई है तब हम वहाँ पर इसको लाइन से खींच देंगे। तो देखो आप, आपकी एकदम पैरेलल लाइन दिखाई देगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो हमारी इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी यहाँ पर होनी चाहिए, इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो अब दोबारा समझ लो इस चीज़ को, मेरे को ये लाइन, ये नीचे वाली लाइन जो है इसके पैरेलल में फिर एक लाइन और खींचनी है पैरेलल में, तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे पहले वाले सेट स्क्वायर को। इसकी एक किनारी मेरे काम में आ गई, तिरछी वाली ये जो किनारी है मैं काम में लूँगा नहीं, बची हमारी ये तीसरी वाली, इसके साथ में ये दूसरा सेट स्क्वायर लगा के, लगाने के बाद मैं इसको दूसरे वाले को जाम कर दूंगा जिससे कि वो हिले नहीं। यहाँ पे बस कमी ये रहती है कि आपके लाइन खींचते समय आपकी ये जो जहाँ पे सेट स्क्वायर जो मिल रहा है यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे नीचे गैप होना चाहिए। अगर गैप हो गया इसका मतलब लाइन टेढ़ी होने वाली है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इस बिंदु से लाइन गुजारनी है तो मैं क्या करूँगा, इस काले वाले को या इस वाले को मैं जाम कर दूंगा, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा और जहाँ मेरे पॉइंट होगा वहाँ तक ले जाके फिर मैं दूसरी जो उंगली है वो मैं इस पे रख दूंगा, तो दोनों जाम हो गए। अब दोनों हिलने वाले नहीं है और मैं यहाँ पे आराम से लाइन खींच दूंगा। अब आप देखो बिल्कुल पैरेलल लाइन आ गई। तो ये एक तरीका। दूसरा और थोड़ा सा और मैं एक दो लाइन और खींच कर बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरी तिरछी लाइन है, इसके इस बिंदु पे मेरे को ये पैरेलल लाइन लेके जानी है। बिंदु दिख गया आपको यहाँ पे, ये बारीक सा बिंदु है। बिंदु बनाते समय भी मैंने मेरे पुराने जो वीडियो में ये बात ज़रूर कही है कि जब भी आप कोई भी बिंदु लगाओगे आपको वहाँ पर पेंसिल से छोटा सा गड्ढा कर देना है। कारण यह है कि मैं अभी सुबह एक बच्चे की शीट चेक कर रहा था, उसके अंदर उस बच्चे ने वही गलती करी जो जिस चीज़ पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप जब भी कोई दो पॉइंट को मिलाओगे या कोई बिंदु बनाओगे वहाँ पर एक गड्ढा ज़रूर बनाना है। उस गड्ढे का फ़ायदा यह है कि अगर आप 100 लाइन भी खींचोगे तो और आपकी पेंसिल उस गड्ढे में से गुजरेगी तो कभी भी आपकी लाइन गलत नहीं होगी। 100 की 100 लाइन आपकी एकदम सही आएगी, उसी बिंदु से गुजरेगी जहाँ पे हमारा बिंदु लगा हुआ है और वहाँ पे गड्ढा बना हुआ है। अब हमारी ये लाइन है और ये हमारा बिंदु है, यहाँ पर हमको पैरेलल लाइन खींचनी है। तो मैं क्या करूँगा, आपको देखें इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, एकदम बराबर होना चाहिए। ये लाइन का ध्यान रखें कि ये यहाँ पर बराबर दूरी पर एकदम सेट होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारा किनारी सेट स्क्वायर काम में आ गई। तिरछी वाली हम ये वाली जो देख रहे हैं ये वाली काम में लेंगे नहीं, तो हमारी बची ये वाली किनारी। इस किनारी के साथ में मैं दूसरा स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से सेट कर दूँगा और यहाँ पर मैं इस वाले को यहाँ पर ये जाम कर दिया मैंने। जाम करते समय आपको ध्यान रखना है कि ना तो यहाँ पर गैप बनाना चाहिए और ना ही यहाँ पर गैप होना चाहिए। यहाँ देखो आप, यहाँ पे कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में। जब गैप नहीं हो उस समय आप क्या करेंगे, इस वाले को जाम रखें और ये हमारा फ्री हो गया। अब इसको आप कहीं भी आगे पीछे ले जा सकते हो, जहाँ आपका बिंदु है वहाँ पर जाकर के आप हल्की सी लाइन खींच सकते हो, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। क्लियर है। नीचे अगर मेरे को लाइन खींचनी है, मान लीजिए मेरे को यहाँ इस बिंदु से खींचनी है लाइन, इस लाइन के पैरेलल में इस बिंदु से लाइन खींचनी है, तो मैं यहाँ सेट करके दूसरा सेट स्क्वायर लगा के जाम, इसको जाम करके इसको फ्री करके और इसको नीचे ले आऊँगा मैं जहाँ मेरा बिंदु है। अब देखो आपने देखा होगा वीडियो में कि ये सेट स्क्वायर एक दूसरे पे चढ़ रहा है। चढ़ने का मतलब यह कि मेरे को यहाँ पे दोबारा से सेट करना पड़ेगा या फिर मेरा एक सेकंड दो सेकंड ख़राब हो जाएगा। तो जितनी किनारियाँ मोटी होंगी तो एक दूसरे पे चढ़ने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते, इसलिए अच्छी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का सेट स्क्वायर लाएँ जिससे कि आपको चित्र बनाना आसान हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि शायद अब आपको पैरेलल लाइन किस तरह से हम सेट स्क्वायर से खींचेंगे ये आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखते जाएं, बनाते जाएं, देखते जाएं, बनाते जाएं, तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को, आपके जो मित्रगण हैं या आपके जो संगी संबंधी आईटीआई कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनको भी अच्छी नॉलेज हो जाए
जिससे वो बारीकी से चित्र बना सके। एक बात और, मैं एक बच्चे ने एक बात और मेरे से सवाल पूछा कि जो शीट बनाते हैं हम, उसको चेक करने वाला जब चेक करेगा तो कैसे नंबर देगा। तो मैंने उनको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि अगर आपकी ड्राइंग बनाने का तरीका बहुत अच्छा है तो कोई सा भी टीचर हो, कोई सी भी शीट चेक करने वाला टीचर हो, आपको नंबर अच्छे मिलने वाले ही हैं। अगर आपकी ड्राइंग के अंदर छोटी मोटी कमी होती है, बाकी ओवरऑल अच्छा होता है, तो आपको अवॉइड कर दिया जाता है गलतियों को। लेकिन आपकी ड्राइंग के अंदर ना बिंदु का पता है, ना पैरेलल लाइन का पता है, ना लिखने का तरीका है, ना आपकी ड्राइंग शीट साफ़ है, तो उस कंडीशन में अच्छा टीचर होगा, सॉफ्ट टीचर होगा, वो कोई भी आपको नंबर नहीं देगा। तो हमेशा कोशिश करो कि हायर स्टैंडर्ड की ड्राइंग बनाएं। जैसे कि मैंने जो वीडियो डाले हैं उसको देख करके मेरे स्टूडेंट जो है चौथी या पांचवी जो शीट बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बना के ला रहे हैं। इतनी उम्मीद मैं नहीं करता था कि एक स्कूल से पढ़ के जो बच्चा आईटीआई में आता है वो इतनी अच्छी ड्राइंग जो है तीसरी या चौथी के बाद बनाने लग जाएगा। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि जो शीट चेक करने वाला या समझाने वाला टीचर है वो उसको शीट को चेक कैसे किस तरह से करता है। मेरा जो चेक करने का तरीका है, आज ही मैंने सुबह जो एक बच्चे की शीट चेक करी उसके अंदर मैंने मोबाइल के कैमरे को जूम करके उसके अंदर उसने जो बिंदु लगाए थे और वहाँ बिंदुओं पर लाइन नहीं मिल रही थी उसको मैंने हाईलाइट किया, उस बच्चे को समझाया। इससे पूरी क्लास को ये बात समझ में आ गया कि अगर आपको संजीव भार्गव सर की क्लास में बैठना है, अच्छा काम करना है, तो काम अच्छा करना ही पड़ेगा। उसके अंदर बहुत बारीकी से गलतियाँ निकाली जाती हैं और ये जो गलतियाँ निकाली जा रही हैं ये आपके बहुत भले के लिए है, क्योंकि इसी से आपकी ड्राइंग अपने आप ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आपको नंबर कोई रोक ही नहीं सकता, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।